Hey, what's up guys? We are back with a new video. Hope so, आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे गाइज। तो आपके लिए आ गया नई वीडियो, और आए दिन हम अक्सर सुनते रहते हैं भाई काबा शरीफ में कुछ ना कुछ ऐसा चमत्कार या मिरेकल होता ही रहता है। आए दिन हमें लगता है भाई खुदा होने का एहसास हमें पता लगता है। तो फिलहाल एक और वीडियो आई है, उसमें भी यही जिक्र किया गया है कि काबा शरीफ में कुछ दिल दहला देने वाली वीडियो का जिक्र हुआ है। कोई वीडियो वहाँ पे हुई है जो हमारा दिल दहला देगी। देखते हैं ऐसा क्या हुआ है वहाँ पे कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। देखते हैं क्या है इस वीडियो में। मिफ्ताही चैनल है, यूट्यूब चैनल, हमने इनकी बहुत सी वीडियोज देखी है, बहुत अमेजिंग वीडियोज भी होती है इनकी। मोहम्मद सबके लिए सीरीज है, वो हमने रिएक्शन किया है, इनके चैनल पे भी है, आप वहाँ भी देख सकते हो, हमने रिएक्शन किया, हम यहाँ भी दूसरे चैनल पे भी देख सकते हो हमारे। सो फिलहाल इसको प्ले करते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। ठीक है, ऐसे ऐसे चलना पूरा। मतलब ये चल नहीं पाते होंगे या। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। कभी कभी ऐसी वीडियो सामने आ जाती है कि बेसाख्ता दिल में बहुत सारी बातें आ जाती है। अब दिल में जो बातें आई है वो दिल की बातें किससे कहें? और इंसान की फितरत है कि वो अपनी दिल की बातें अपनों से करता है। और अल्लाह के फजल और करम से आप मेरा यकीन मानिए, आप लोगों से बढ़कर मेरे अपने कौन हो सकते हैं जो मेरी बातों को ध्यान से सुनते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट करके मेरे हौसलों को बढ़ाते हैं। हालांकि आज वीडियो बनाने का इतना खास मूड नहीं था, बस ये वीडियो सामने आया तो दिल में बहुत सारी बातें आ गई। कैमरा ऑन किया, सामने बैठ गया, कहा कि चलो आप लोगों से ऐसे ही शेयर कर देते हैं जो बातें दिल में आई हैं। तो आप जरा गौर से सुनिए। देखिए, बैतुल्ला यानी काबतुल्ला से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। कौन ऐसा मोमिन होगा जिसकी ये चाहत ना हो कि वो जिंदगी में एक बार क्यों ना हो काबे की जियारत करें। वहां सब जाना चाहते हैं, बल्कि मामला तो यह है कि जो एक बार जाकर आ जाता है वो और ज्यादा प्यासा हो जाता है, उसकी तिश्नगी बढ़ जाती है। शिकवा कोई दरिया की रवानी से नहीं है, रिश्ता ही मेरी प्यास का पानी से नहीं है। जो एक बार जाता है वो बार बार जाना चाहता है, जो बार बार जाता है वो वही रहना चाहता है, और जो वही रहता है वो वही मरना चाहता है। ये तो उस सरजमीन की, उस खाने काबा की, उस अल्लाह के घर की खासियत है, बरकत है। अब वही करने लगे दीदार से आगे की बात, जो कभी कहते थे बस दीदार होना चाहिए। मुझ गुनेगार को भी अल्लाह ने अपने घर की दीदार की जियारत की कई बार तौफीक दी। मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूं। और आपको बताऊं, जब भी काबे पे नजर पड़ती है रूह के अंदर तक ऐसी ठंडक महसूस होती है। किसी ने क्या खूब कहा है कि मरीज मोहब्बत को फकत दीदार ही काफी है, तबीब के हजार नुस्खों से निगाह यार ही काफी है। इस वीडियो को देखकर मुझे इस माजूर औरत, इस माजूर हाजी की मोहब्बत का अंदाजा हुआ। हालांकि वहां माजूरों के लिए कुर्सियां है, व्हीलचेयर भी होती है, तवाफ कराने वाले भी होते हैं, वहां मौजूद रहते हैं। हमने देखा है कि लोग जरा जरा से उज्र को लेकर बिना व्हीलचेयर के तवाफ नहीं करते, सही नहीं करते, या फिर कुछ लोग तो ज्यादा थकावट ना हो जाए तो भी व्हीलचेयर की खिदमत ले लेते हैं। अब तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर भी आ गई है कि बटन दबाओ, यू तवाफ यू सही मुकम्मल कर लो। लेकिन एक बात आपको बताऊं, माजूरों की माजूरी, उनकी बीमारी अपनी जगह पर, ठीक है, उनके लिए जायज भी है, कोई मसला नहीं है, हम उनको कोई तनकीद भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन सच बताऊं, नूरानियत उसी तरीके में है, तवाफ की भी, सही की भी, हज की भी, उम्रे की भी, जिस तरीके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, सहाबा इकराम ने किया रिजवानुल्लाह तआला अजमईन, और औलिया अल्लाह ने किया, उसमें जो नूरानियत है वो अब नए जमाने के जितने भी सहूलियात
पैदा हो गई है उसमें वो नूरानियत उतनी नजर नहीं आती जितना पैदल तवाफ करने में, पैदल सही करने में या फिर हज करने में, जो भी नेचुरल जो फितरी तरीका है जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा इकराम ने, औलिया किराम ने जिस तरीके पर किया उसी तरीके में करने में ज्यादा नूरानियत महसूस होती है। इसका यह मतलब नहीं है कि जो व्हील चेयर पे करते हैं उनको मैं कोई तनकीद कर रहा हूं, उनका तो अपना उज्र है, उनको बराबर पूरा के पूरा सवाब मिलेगा ही। ये तो मैं जो सेहतमंद है उनके लिए बात कर रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि माजूर लोग, माजूर हाजी साहिबान मुझसे नाराज हो जाएं। लेकिन इस औरत को आप देखिए, इस माजूर हाजी को आप देखिए, हद से ज्यादा माजूर है लेकिन फिर भी जमीन पर रेंगते हुए अल्लाह के घर का तवाफ कर रही है बिना किसी की मदद लिए हुए, बिना किसी के सहारे, अपने बे इंतहा उज्र के बावजूद जमीन से लिपट कर खुदा के घर के चक्कर लगा रही है और अपने गुनाहों की माफी मांग रही है, गोया कह रही हो कि तेरे बख्शिश के भरोसे खताए की है मौला, तेरे बख्शिश के भरोसे खताए की है मौला, तेरे रहमत के सहारे ने गुनहगार कर दिया, मेरी इस हालत पर मौला तुझे रहम आ जाए इसलिए मैं इस तरह से चक्कर लगा रही हूं, ये अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, मेरे गुनाह ज्यादा है या तेरी रहमत करीम तू ही बता दे हिसाब करके मुझे। बस हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अपने घर की हाजिरी नसीब फरमाए और इसी बहाने हमें बख्शिश मिल जाए। इंसान गुनाहों का पुतला है, उससे गुनाह होते रहते हैं, लेकिन याद रखे बेहतरीन गुनहगार वो है जो तौबा करने वाले हैं। अल्लाह तबारक व ताला को भी वो गुनहगार पसंद है जो तौबा करने वाले हैं, माफी मांगने वाले हैं, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होते हैं, अल्लाह उन्हें अपनी रहमत से माफ भी कर देता है जो सच्चे दिल से तौबा करते हैं। इसलिए अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह बड़ा माफ करने वाला है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि गुनाह गिन के मैं क्यों अपने दिल को छोटा करूं, गुनाह गिन के मैं क्यों अपने दिल को छोटा करूं, सुना है तेरे करम का कोई हिसाब नहीं। ठीक है, हम फिर से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह अपने घर की जियारत नसीब फरमाए और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर जाकर सलाम पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। सो गाइस ये थी वीडियो और भाई इस वीडियो में वही जिक्र था उन्होंने पूरा का पूरा करा हुआ कि एक औरत है भाई, वो मतलब कि चल नहीं पाती होंगी, ओल्ड भी होंगी लेकिन वो चल नहीं पाती होंगी प्रॉपर तरीके से, लेकिन फिर भी वो भाई हज करने के लिए गई और ऊपर से इन्होंने कहा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती है, अब हमें नहीं पता कि क्या क्या फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल होती हैं, बट इन्होंने कहा वहाँ पे व्हील चेयर भी है और ऊपर से तवाफ़ करवाने वाले, हज करवाने वाले वो जो लोग होते हैं वो भी वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। अब ये नहीं पता कि वो पेड़ होते होंगे, जैसे हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे जो जाते हैं यात्रा वगैरह पे तो उनके लिए पेड़ होते हैं, घोड़े होते हैं या पालकी पे बैठा के लेके चले जाते हैं, वहाँ पे जो होते हैं जो मतलब करवाते हैं हज है ना किसी बूढ़े व्यक्ति को जिसे चलने पता, वो पता नहीं पेड़ कराते होंगे या फ्री करवाते होंगे वो नहीं पता, एंड वो कमेंट्स में बता देना। बट भाई इनका ईमान देखो भाई, इनकी मोहब्बत देखो, है ना कि खुदा के साथ इनकी मोहब्बत जो है भाई कि पैदल मतलब बंदे ने ठान लिया है ना कि नहीं मैं करूँगी तो पूरे दिल से करूँगी, पैदल करूँगी, तो वो वैसे ही रेंगते रेंगते भाई कंप्लीट कर रही हैं, तो इतनी ज़्यादा मोहब्बत है। तो यही सीख मिलती है भाई हमें भी इतनी ज़्यादा मोहब्बत होनी चाहिए, हालांकि हमारा तो पूरा का पूरा ही शरीर हाथ पांव बिल्कुल सही है हम सभी के, फिर भी हम अपने खुदा को भूल जाते हैं भाई। इससे ज़्यादा और बंदे को चाहिए क्या होता है कि अगर उसकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, चल फिर पाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अपने आसपास में देखते होंगे भाई कि बहुत ज़्यादा लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं और हमारे से छोटे छोटे भी कई होते हैं ना, इनको प्रॉब्लम होती है, किसी का हाथ नहीं उठता, कोई कैसे चलता है, किसी को ब्रेन की प्रॉब्लम होती है, तो हर वक्त भाई शुक्रगुजार रहना चाहिए। बाकी तो फिलहाल ये थी वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।